स्वागत है दोस्तों आप सबका खाना इंडिया का के नए एपिसोड में। तो भाई स्ट्रेट साइड पे जो चाइनीज रोल मिलते हैं ना स्प्रिंग रोल, वो हम सबको बड़े ही पसंद आते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, इसमें क्या क्या पड़ता है, ये जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी रेडी होंगे 1000 से भी ज्यादा स्प्रिंग रोल। तो आप देख सकते हो भैया ने ऑयल ले लिया और ऑयल में डाल दिया है हरी मिर्च का पेस्ट। अब भैया डाल रहे इसके अंदर ढेर सारा नमक। नमक पड़ जाने के बाद अब भैया ये डाल रहे उनका स्पेशल रेडी किया हुआ चाइनीज मसाला। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद ये जा रहा है रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस के बाद नंबर आता है सोया सॉस का। तो भैया ने सोया सॉस भी इसके अंदर डाल दिया। अब सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले अब भैया डालेंगे इसके अंदर बारीक कटा हुआ ढेर सारी क्वांटिटी में कैबेज। अब इसे अच्छी तरीके से मसालों के अंदर मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर पड़ेगा सूखा वाला पोहा। तो आप देख लो भाई सूखे पोहे की भी क्वांटिटी कितनी सारी है। तो ये सारा इसके अंदर चला गया। इसके बाद जाता है इसके अंदर नूडल्स। तो नूडल्स भी इसके अंदर पड़ चुका है। अब भैया अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप समझ सकते हो कितनी सारी क्वांटिटी में हर रोज यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो अच्छे से भैया ने मसाला मिक्स कर लिया है। तो इसे ठंडा करने के लिए निकाला जाएगा ये प्लेट के अंदर। और धीरे धीरे करके आप देख सकते हो भैया ने सारी प्लेटें भर दी है और यहाँ पे इसे अभी ठंडा किया जाएगा। तो अच्छी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद अब इसे यहाँ पे ये भरा जाएगा और पूरा फैमिली मिल के यहाँ पे उनको सपोर्ट करते हैं और भरने में इनकी हेल्प करते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी स्पीड है इनकी स्प्रिंग रोल भरने में। तो ये सारे भरे जा चुके हैं और यहाँ पे आपको स्प्रिंग रोल के अलावा अगर चाइनीज समोसा चाहिए और चाइनीज पफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कितनी स्पीड में ये यहाँ पे रेडी कर रहे हैं और इसकी लाइफ होती है 1 वीक तक। तो ये सारे जा रहे हैं ऑर्डर के लिए। तो भाई अगर आपको भी ये खाना है तो फटाफट से आ जाओ जलाराम पाव भाजी पोस्ट ऑफिस रोड सूरत पर। तो आप देख सकते हो अभी मेरे लिए यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं और दिखने में जितने बढ़िया लग रहे हैं ना भाई, मुझे लग रहा है इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो धीरे धीरे हल्की आंच पर भैया इसे फ्राई कर रहे हैं। और भाई सच में बताऊं अगर आपके ग्रुप में कोई चाइनीज लवर है ना तो ये वीडियो जरूर से उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो डेफिनेटली उनको मजा आएगा। तो ये मेरे लिए एकदम क्रिस्पी बनकर रेडी हो चुके हैं और ये गया सर्व होने के लिए प्लेट के अंदर। इसके साथ यहाँ पे दिया जाता है ये केचप। तो आपने इसे बनते हुए देख ही लिया है, अब ट्राई करते हैं कि टेस्ट में कैसा। तो ये मैंने ले लिया है मुंह के अंदर और आप मुझे कमेंट करके बताएगा ये देखकर किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। ऑसम, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। ऊपर का लेयर एकदम खस्ता, अंदर परफेक्ट स्पाइसी और चाइनीज का फ्लेवर, ऑसम। तो भाई हमको यही कह दिया आपने, अगर ये नहीं खाया तो क्या खाया। आपको अभी स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा, फटाफट से ऑर्डर कीजिए। तो भाई अगर आपको ऑर्डर नहीं देना है और डायरेक्ट ही परचेस करना है तो आ जाओ जलाराम पाव भाजी सेंटर पर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही खाने के मजेदार वीडियोस को देखने के लिए खाना इंडिया का पेज के साथ फटाफट से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पर हमें लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।